नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कहते हैं कि जिसमें कुछ कल गुजरने का जज्बा हो, वो इंसान कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उन मुश्किलों को पार कर जाता है। ऐसा ही आज की रिपोर्ट जो हमने बनाई है, ऐसे ही एक शख्स की रिपोर्ट है। आपको बता दें, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं सिद्धार्थ सुमन बाविस्कर, ये शख्स ऐसे हैं कि जिनका कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले कैंसर की वजह से पीड़ित थे, ग्रसित थे, और तब उनका ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन के बाद में इनकी बोलने की क्षमता लगभग जा चुकी है, लेकिन इनका विल पावर इतना मजबूत है कि ये आज भी 450 फीट ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। आपने सही सुना, 450 फीट ऊपर चढ़ाई इन्होंने हाल ही में अभी, और वो भी एक बार नहीं, दिन में चार बार। हाल ही में एक पर्वत श्रेणी है, उस पर चढ़ाई की। पर इनके जज्बे को सलाम। हमने इस पूरे मामले के ऊपर इनके बेटे से फ़ोन पे बात की, भूषण वंदना सिद्धार्थ से। वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे हमारी बातचीत, और पूरी जानकारी क्या कुछ, कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया वो बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे परिवार की एक खासियत ये है कि इस पूरे परिवार में सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि उनकी पोती, 6 साल की बच्ची, उसने भी एक चढ़ाई चढ़ते हुए एक मुकाम हासिल किया। देखिए रिपोर्ट और सुनिए हमारी बातचीत भूषण से। हेलो, हाँ सिद्धार्थ जी बात कर रहे हैं? जी नहीं, उनका बेटा बोल रहा हूँ। आपके पिताजी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे हमारे भी व्हाट्सएप पे आया है, तो उसमें वो पर्वतारोहण कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, क्या विषय है, कहाँ का है बताएंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे वो? जी, वो उन्होंने जो है वानर लिंगी करके एक पिनेकल है, मार्शेस घाट शिवनेरी के पास में ही है, वहां पे उन्होंने एक्सपेडिशन किया था। वो जो है वो 450 फीट एक पिनेकल है, 450 फीट क्लाइंब अप एंड 450 फीट रैपल डाउन। वो जो है महाराष्ट्र में से वन ऑफ द टफेस्ट एक पिनेकल है। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने, श्री सिद्धार्थ सुमन गुलाबराव बाविस्कर जी ने, दो दिन में, मतलब 25th और 26th नवंबर, उन दो दिनों में चार बार, दो बार क्लाइंब अप और दो बार रैपल डाउन, ऐसे दिन में दो बार करके चार बार उन्होंने वो एक्सपेडिशन कंप्लीट किया। अच्छा, आपके पिताजी है वो, मेरी से जानकारी की वैसे ही पंचायत समिति में सर्विस पर है, और उनके साथ पूर्व में कुछ हादसा हो गया था, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, वो क्या था? हाँ जी, 12 साल पहले उनको माउथ कैंसर, टंग कैंसर जो कहते हैं ना, वो उनको हो गया था। तो उस वजह से उनका 70% टंग जो है कट हो चुका है, तो उनको बात करने में दिक्कत होती है, और वो कम्प्लीटली 12 साल से आज भी लिक्विड डाइट पे ही है। वो कुछ खा नहीं सकते, जो नॉर्मल हम लोग जो खाना खाते हैं उस प्रकार से कुछ खा नहीं, चबा नहीं सकते, कुछ भी चबा नहीं सकते, उनको कंप्लीट लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ता है। जिस तरह से आप उनका हिस्ट्री बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर आज दूसरा इंसान हो कोई, तो वो क्या है कि अपना विल पावर जो है वो खो देता है, लेकिन ये डाइट, लिक्विड डाइट के होने पर, होने के बावजूद भी आपके पिताजी इस तरह से चढ़ाई चढ़ते और इतना ये मेहनत मशक्कत करते हैं, तो उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, अगर कोई शिव भक्त है तो उन्हें प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक सच्चे शिव भक्त है, और प्लस उनको फैमिली सपोर्ट है, सबसे ज्यादा उनकी वाइफ, मेरी मम्मी, उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर वाइफ और भगवान, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कोई है, तो उनको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती विल पावर डेवलप करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन और एक सवाल ये है कि उसी वीडियो में दिख रहा है एक छोटी बच्ची है, हाँ, वो भी चढ़ाई कर रही है, तो वो कौन है, उसके बारे में जानकारी देंगे? जी, उसको हम प्यार से नव्या बुलाते हैं। वो मेरे बड़े भाई जो है उनकी बेटी है, तो वो 6 साल की है। उसने इसके पहले ही, मतलब पिछले हफ्ते, वजीर करके एक सुड़का है, वो उसने क्लाइंब अप किया था, वो भी एक टफ पिनेकल है, उसने वो क्लाइम किया था, तो उसका क्लिप ऐड किया वो लोग ने। अच्छा अच्छा, उस वीडियो में। और आप जो है अपने ये वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे कि विकट परिस्थिति में किस तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने तौर?
जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर किसी को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई ये चीज करेगा तो हर किसी के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप होगी और हर हर इंसान को पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है। और जो कहते हैं ना कि जो असली कम इंसान की, जो हमारे पूर्वजों से हम तक आई है, तो ये वो कमाई है। अगर हम इसे डेवलप करेंगे, इसे हम मेंटेन रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो आने वाले जनरेशन को भी पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री कितनी बड़ी और कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी है। अगर हम ही उसे नहीं मेंटेन रखेंगे, हम ही उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो हम आगे क्या पास ऑन करेंगे। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट और एज अ चैलेंज दोनों कहूंगा कि जब भी मौका मिले, एक एक्सपेडिशन हो, पिनेकल हो, ट्रैक हो, कुछ भी करो, ताकि आने वाली जनरेशन जो है, हमारे बाद जो आएंगे, उनको हम लोग बता सके कि हाँ, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है। अच्छा, मैं जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आपके पिताजी खुद तो इस चैलेंज को पूरा कर ही रहे थे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे वो वॉलेंटियर भी थे। वॉलेंटियर यानी कि दूसरे का सहयोग करके अगर कोई अटकता है तो उसको खींचना करना, तो जी हाँ इस हाँ तरह से जी वो भैया, खुद खुद इस तरह से एक माने में थोड़े फिजिकली कमजोर है, उसके बावजूद उन्होंने ये किया, तो ये कितना चैलेंजिंग था। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ये। लेकिन अभी उन्होंने, उनके अंदर इतनी विल पावर और इतनी स्ट्रेंथ है कि ये कर सकते हैं, और वो उन खुद को चैलेंज करते रहते हैं कि नहीं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। तो उस तरह से खुद को चैलेंज करते रहते हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने वो विल पावर और स्ट्रेंथ डेवलप की कि उन्होंने वो काम किया, वॉलेंटियर किया। और जिस जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये ऑर्गेनाइज करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे पिताजी जाते हैं, उन्होंने भी ये अप्रिशिएट किया कि कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा फिजिकली वीक है, थोड़ा, नॉट कम्प्लीटली, थोड़ा फिजिकली वीक है, वो ये कर सकता है, तो हर कोई कर सकता है। बहुत अच्छी बात, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही एक दुआ करते हैं कि आपके पिताजी है वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और आगे बहुत नाम जो है इस तरह से देश का नाम करते जाए। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।